अभी अभी हमारे बाल कट चुके हैं, टचअप हो चुका है, अभी हम कोकोनट वाटर इंजॉय कर रहे हैं क्योंकि हम गोवा में हैं और हम बहुत ज्यादा मजे मारते हैं। तो अभी अभी हमने यहाँ पर अपना शैक पे बटर में बहुत ज्यादा मसाला ऑमलेट ऑर्डर करा है और हम वो खाने वाले हैं, और ये बहुत ही ज्यादा फ्रेश है और बहुत ही ज्यादा रिफ्रेशिंग है। लेकिन क्योंकि ना हम शुगर लेडेड ड्रिंक्स नहीं पीते और उस सब में हम बिलीव भी नहीं करते, जैसे अगर आपको पता होगा, और अगर आप जानना चाहते हैं इसके बारे में तो आप प्लीज हमें मैसेज कीजिए, आप हमारे से लाइफस्टाइल के बारे में डाइट भी ले सकते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम है या वो हम सब क्यों नहीं पीते, वो हम आपको पर्सनली भी बताएंगे। हम पूरे लाइफस्टाइल को कंसल्टेंट्स हैं, बहुत लोगों की जिंदगी में पता नहीं क्या क्या दिक्कतें चल रही हैं, क्या क्या झेलना पड़ रहा है, तो वो काउंसलिंग भी आपको चाहिए तो आप हमें कॉल कीजिए। और फ्रेंड्स एक बात मैं बताऊं कि जब प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बढ़ जाए, जब इतना ज्यादा खराब हो जाए, जब डॉक्टर भी जवाब दे दे, तब क्यों आते हैं आप हमारे पास? जब थोड़ी सी प्रॉब्लम हो ही भी ना, चाहे प्रॉब्लम क्यों करनी है अपने आप को, उससे पहले ही आ जाओ ना। अब नारियल पानी पी लिया गया है, अब नारियल पानी की मलाई खाई जाएगी। तो फ्रेंड्स बहुत ही रिफ्रेशिंग होता है नारियल पानी और इलेक्ट्रोलाइट से भरा रहता है, तो हम तो यहाँ पे पीते रहते हैं नारियल पानी। और आज हमारी चाय तो बहुत ही बढ़िया लगता है। और हमने भाई अपना ऑमलेट बटर में होल एग्स पूरा ऑर्डर किया है, तो फिर हम सिर्फ ऑमलेट ऑमलेट खाते हैं, ब्रेड नहीं लेते उसके साथ। भरा हुआ बटर में उसके साथ चीज। और आज हमारे वर्कआउट की छुट्टी हो गई है क्योंकि अभी हम यहाँ पर खाएंगे, फिर ये करेंगे, फिर हम जाएंगे। और फ्रेंड्स अभी हमारे साथ बहुत सारी कहानियां हो चुकी हैं जो आपको बतानी बाकी हैं, और आप सच में जानकर हैरान होंगे, और मैं आपको दिखाऊंगी फिर उसके बाद। गोवा में पता नहीं क्या क्या हो चुका है, फिर भी हम इंजॉय कर रहे हैं यार, मतलब बहुत बहुत ज्यादा। जो भी हमसे लोग जुड़ रहे हैं वो अपनी लाइफ पूरी तरह से एंजॉय कर पाए, और वो हम अपनी लाइफ सिर्फ इसीलिए एंजॉय कर पा रहे हैं क्योंकि सुमित और मैं हम दोनों फिटनेस में हैं। क्योंकि अगर हमारे फिटनेस में है, और भाई हम बहुत सारे कोर्सेज भी कर चुके हैं और हम स्पिरिचुअल कोर्सेज भी कर चुके हैं, जिससे भाई मतलब हमारा माइंड भी ओपन हुआ है। अगर हम फिटनेस में भी ना होते दोनों, तो जो अब अभी हम कर रहे हैं एक हफ्ते से पीछे जो अब वीडियो डालने वाले हैं, तो हम वो बिल्कुल भी ना कर पाते। इट इज इम्पॉसिबल फॉर, मतलब नॉर्मल कोई नहीं कर सकता वो, मैं ये बात बोल सकती हूँ। और रिचा का ये हेयर स्टाइल देख के मेरे को दोबारा प्यार हो गया रिचा से। यार गजब लग रहे हो, सच में मैं झूठ नहीं बोल रहा। और अगर पहली बार आप अजीब से लग रहे थे क्योंकि आपकी स्किन अलग थी, गोरी हो गई, बट और अगर ना होता तो क्या प्यार नहीं दोबारा से हो गया, पहले तो हो ही गया था यार। और ना होता दोबारा से तो नहीं दोबारा से क्या, ओहो पागल, पहले वाला तो चल ही रहा था। तो फ्रेंड ये साउथ गोवा में बहुत ही बढ़िया बीच है, ये पूरा कोलवा वाली लाइन है, हम कई बार आ चुके हैं, वी लाइक वी लव दिस प्लेस, व्हाइट सैंड है यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। हम लोग सोच रहे थे क्रिसमस न्यू ईयर पे नॉर्थ गोवा चले जाएं, पर फिर हमें लगा कि यार साउथ गोवा ही बहुत बढ़िया, शायद वहाँ पे यार बहुत भीड़ है, भीड़ बहुत होगी, और यार कोविड भी वहाँ पर, लोगों को दिखाने के लिए जा सकते हैं, बाकी रिचा को भी देखने का शौक है, मेरे को बहुत शौक है। जैसे कि मैं आपको हमेशा अपने वीडियो बताती हुई आई हूँ, मुझे हर चीज हर कुछ करने का और देखने का शौक है। और अभी ये सुमित आएगा कि मेरे को गोदी पे उठाएगा क्योंकि ही इज सुपर फिट, और मुझे वहाँ पर भी रिचा भी सुपर फिट है, बेंच तक जाना है, तो ये मुझे उठाकर ले जाएगा। हाँ तो अभी तक तो मैं सबको बोल जा रही थी कि सुमित फिट है, लेकिन ठीक है सुमित तो फिट है ही है, ओहो देखो हीरो की तरह। लेकिन इसमें ये बात है कि मैं भी फिट हूँ यार, 100-150 किलो की बोरी कैसे उठाता हूँ सॉफ्ट सॉफ्ट वाली, तो अब देखो अब बड़ा ही मजा आएगा। हर बार मतलब रिचा को उठा के ही लेके जाता, अभी देखो मैं बिल्कुल हवा में हूँ और मैं मजे से पूरे के पूरे, ज्यादा चलना होता है तो ये मुझे अपने पीछे उठा लेता है। पीछे आ जाती हूँ और ये देखो मैं पूरी राइड कर रही हूँ, शैडो दिखाना सुमित, शैडो दिख नहीं रही। आप कहाँ लेके जा रहे हो सुमित? पूरे बूझ पे मुझे सुमित के पास लेके जा रहे हैं घुमाने के लिए, बहुत ज्यादा चलना होता है तो सुमित मुझे अपनी बैक पे उठा लेता है। तो अभी हम सुमित मुझे बीच की फीलिंग दिलाने के लिए पास में उठाकर लाए हैं। तो फ्रेंड्स देखो आपके पार्टनर का कितना ज्यादा फिट होना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपकी हेल्थ। चलो गिर गए लग गए तो दैट्स ओके, बट उसके बाद जो अब हो रहा है कि सुमित मुझे उठा पा रहा है, हम जगह एंजॉय कर पा रहे हैं। हाँ और बिल्कुल यहाँ पर पानी आ चुका है हमारे को, आज बीच की
बीच की, मतलब यार अगर आपका पार्टनर इतना एक्टिव ना हो या कुछ हो तो आपको ऐसे लेटे रहना पड़ेगा और आप कुछ फील भी नहीं कर सकते। तो मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि मुझे कुछ हुआ है यहाँ पर। बिल्कुल हम दोनों बीच के ऊपर आ गए हैं और ये सुमित देखो ये रहा और ये रहा मेरा दूसरा वाला पैर और ये रहा टूटा वाला पैर और ये बिल्कुल पानी यहीं पर ही है। ओह माय गॉड, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। सुमित आपको कैसा लग रहा है? तो जो उठा के ले जाएगा, चलो सुमित। और मैं वैसे महारानी की तरह खड़ी हो जाती हूँ, मैं एकदम वेटलेस हो गई और ये मुझे पूरा ऐसे उठा कर ले जाता है। ओह माय गॉड, ये तो किसी आपने फिल्मी सीन में भी नहीं देखा होगा। मेरे को गोवा में इतने सारे लोग बोल चुके कि मैम आपने जान के छुड़वाया है ताकि आप ये ऐसे घूमने के मजे ले सको। और देखो बीच में चलना वैसे मुझे समझ उठा कर बीच में हर जगह ले जाता है। तो इसमें आप दोनों की फिटनेस होनी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरी भी सुमित की भी दोनों की है, इसलिए वो आराम से। अब देखो वो उठा के खड़ा भी है, उसको तो मजा आता है, उसको यही वर्कआउट है आजकल का। तो अब हम यहाँ पर आए हैं बीच शैक पर अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो यहाँ पर मुझे सुमित उठा कर ले आता है एक मिनट में। बेचारा पहले सब कुछ सेट करता है, फिर मुझे उठा के लेके जाता है, फिर वापस सामान लाता है, फिर स्कूटी पे भी मुझे ऐसे ही उठा कर बिठा देता है क्योंकि मेरा मल्टीपल फ्रैक्चर हो गया जैसे आपको पता है। तो मतलब मैं तो कुछ नहीं कर पाती, लेकिन मैं जिम भी जा रही हूँ, हमारा वर्कआउट भी मिस नहीं होता क्योंकि हमने उसका स्पेशल पॉपुलेशन वाला कोर्स कर रखा है। तो हमें पता है कि अगर किसी को लगी हुई हो तो इंजर्ड क्लाइंट को कैसे वर्कआउट कराना है। मतलब हम सपोर्टेड मशीन्स पे वर्कआउट करते हैं ज़्यादातर, शूट नहीं कर पाते क्योंकि शूट करने में थोड़े से लोगों को औरों को भी डिस्टर्बेंस होती है, तो हम चाहते नहीं कि और सब डिस्टर्ब हो। और हम यहाँ पर ये रही मेरी स्टिक, वैसे ये कहीं फ्लैट सरफेस पे थोड़ा बहुत काम आ जाती है, वैसे तो मैं इससे ज़्यादा काम लेती ही नहीं क्योंकि हमारे पास सुमित है तो हमें स्टिक की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि जैसे ही ना मुझे चोट लगी थी, जैसे जिस दिन लगी थी तब तो इतना पता नहीं था, तो मेरी एक दो फ्रेंड्स का भी मैं एक्सपीरियंस देख चुकी हूँ। उन लोगों ने ना थोड़ा सा खुद से चल लिया और सब कुछ, तो उनको और ज़्यादा इंजरी हो गई, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं चली तो मेरे को तो सुमित ने गोदी उठा लिया फ्रॉम द वेरी फर्स्ट स्टेप, तो इसलिए मेरे को इंजरी भी बहुत कम हुई है। ठीक है, अब हमारा डिलीशियस ब्रेकफास्ट आ चुका है, चीज़ ऑमलेट, और अब हम ये खा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। सुमित को तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा भूख लग गई है, फटाफट फटाफट खा रहा है। भूख लग रही है ना आपको? हाँ, नहीं लग रही। तो फ्रेंड्स जनरली हम इस टाइम तो जिम में होते हैं, हाँ, बट आज फिर हमने डिसाइड किया यहीं पे रख दिया जाते हैं क्योंकि बहुत ही यार बहुत ही मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, बहुत ही बढ़िया व्यू है। कैसे बनाया सुमित? बहुत ही बढ़िया। और जैसे ना मुझे पर्सनली बहुत ही ज्यादा घूमने का शौक है तो मैं एक पूरा दिन तो घर पे रह ही नहीं सकती, तो मेरे लिए काफी मुश्किल है घर पे रहना। घुमा लो जितना मर्जी, टूटे पैर में भी जितना मर्जी घुमा लो। आप तो घूम ही रहे हो, बीच पे भी आ गए। मैं कह रही हूँ तो एक भी दिन नहीं घर पे बैठी, और जबकि डॉक्टर्स ने मना किया था, जबकि डॉक्टर ने मना करा कि कुछ नहीं हिलना डुलना, वर्कआउट भी नहीं करना, खाली इमरजेंसी में चलना हो तो ये फुट क्या है? She is very strong. वैसे भी ये जिम के बिना रह नहीं सकती, जिम के बिना वर्कआउट के बिना तो यार फिर बड़ा बोरिंग लग जाता है। और जिस दिन सुमित की छुट्टी होती है वर्कआउट, उसका वर्कआउट तो हो ही रहा है डेली ऐसे उठा उठा के ले जाने में हर जगह। तो फिटनेस की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कि वो कहाँ कहाँ काम आ सकती है यार, मतलब यू कांट इमेजिन फिटनेस ही आपका हर जगह साथ देने वाली। जैसे मुझे डॉक्टर ने बोला कि आप ना बेंच पे चढ़ जाओ, पीछे जो उनका बेड होता है ऊपर वाला, तो फिर मैंने बिना पैर के सपोर्ट से, क्योंकि मेरी आर्म्स में इतनी स्ट्रेंथ है तो वो सारा अपर बॉडी वेट उठा सकती है, पूरे बॉडी वेट उठा सकती है, तो मैं आराम से चढ़कर ऊपर बैठ गई विदाउट एनी सपोर्ट फ्रॉम लेग्स, है ना सुमित? तो प्लीज आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और ये बताएं कि इस लुक में ज्यादा क्यूट सुमित लग रहा है कि मैं लग रही हूं। जैसे कि मैं अब चल नहीं सकती, आप सबको पता है, तो अब सुमित मेरे को एक नए स्टाइल से लेकर जाएगा। बीच में घुमाना तो नया स्टाइल है और स्कूटर तक ले जाते तो उसका नया स्टाइल। इधर लग जा, थोड़ा सा इधर हो जा। तो ये चढ़ गई मैं ले आ गई मैं और ये सुमित फटाफट मैं आटे की बोरी बन गई हूँ इसकी।
आटे की बोरी कितने की, कितने की? आटे की बोरी कितने की? आटे की बोरी सुमित, आपकी आटे की बोरी कितने की? ऐसे छोटे बच्चे होते हैं तो करते हैं, आपको पता है? सुनक्लाइन इंक्लाइन चल रहा है, रनिंग करते हुए। ओह माय गॉड, तो मुझे बहुत ही मजा आते हैं। और गो वाले बोलते हैं, बार बार सब लोग बोलते हैं कि जान के छुड़वाया है, जान के छुड़वाया है, लेकिन ऐसा नहीं है, सच में टूट गया है। और अब बस मेरे को स्कूल में ऐसे ले जाते स्कूटी पे लैंड कर देगा, और बहुत ही बढ़िया। तो अब सुमित ने मुझे लैंड करवा दिया यहाँ पर छांव वाली जगह पर। अब वो गया है भागा भागा सामान लेने के लिए। हाँ, एक मिनट। तो अब सुमित सामान लेने के लिए गया है, और अभी यहाँ पर लोकल गोवंस मतलब बहुत ही बढ़िया हैं। अब देखो मेरे को फटाफट चेयर भी लाकर दे दी उन्होंने मेरा पैर देख कर। तो मतलब गोवा इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, आप यहाँ पर आ सकते हैं और आप यहाँ पर फुल इन्जॉय करने वाले हैं। तो अभी वो मेरी पूरी डंडी वंडी और हमारा सारा बैग वैग लेकर आएगा, फिर हम आगे जाएंगे। तो अभी हम सब मिलकर सुमती का वेट कर रहे हैं, सुमती आने वाले होंगे, फिर हम आगे जाएंगे। क्योंकि अब हम इसलिए घर जा रहे हैं क्योंकि इससे हमारी वो आ गया सुमित, मैंने बोला था वो आएगा भागा भागा सारा सामान लेकर। अब वो सारा सामान स्कूटी के ऊपर लगाएगा। सुमित आपको कैसा लग रहा है? अब यहाँ पर सुमित सारा सामान स्कूटी पे लगाएगा, फिर मेरे को लेकर जाएगा। देखा आपने सुमित को कितने ऐसे ऐसे करना पड़ता है मेरे को लाने ले जाने के लिए। अब वो बीच में से यहाँ पे मुझे बिठा, उसने सारा सामान सेट था, अब मुझे सुमित उठाएगा और बाइक के ऊपर रख देगा, फिर हम अपनी आगे की जर्नी आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ये आ गए हमारे हीरो, और मैं सुमित के लिए बहुत ही हल्की सी हूँ, तो वो मुझे ऐसे थैंक यू भैया ऐसे फूलों की तरह उठा लेता है। और मतलब मैं हूँ कि नहीं, अब ये गोभी का फूल हूँ या कौन सा फूल हूँ, लेकिन मैं तो अपने आपको फूल बोल देती हूँ। और अब देखो, अब मुझे ऐसे अला अला कर सीधा स्कूटी पे लैंड। चलो जी मैडम, स्कूटी पे हो गई तैयार जाने के लिए। तो मतलब लाइफ के बहुत ही ज़्यादा मज़े हैं, कोई भी हमारा काम रुकता नहीं है और कुछ भी रुकता नहीं है। और क्योंकि अब धूप हो गई है तो अब दुशाला इज़ अ मस्ट। तो ठीक है, अब हम चलते हैं आगे और आपको दिखाते रहते हैं कि और क्या क्या आज मज़ा होने वाला है। तो प्लीज़ आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, इससे आपको पता चलता है कि आपकी पार्टनर की स्ट्रेंथ और आपकी स्ट्रेंथ कितनी ज़रूरी है अगर आपको कोई इमरजेंसी आ जाए तो। फ्रेंड्स, ये हम चल पड़े हैं अपनी गाड़ी पर यहाँ से अपने रिजॉर्ट की तरफ, क्योंकि अभी मेरी ऑनलाइन क्लासेस हैं। और अब हम जा रहे हैं यहाँ से, पूरे टूरिस्ट आ चुके हैं, देखो टैक्सी ही टैक्सी, टैक्सी ही टैक्सी। ओह माय गॉड, वेरी गुड। फुल पावर। और बाय बाय। तो गोवा के लोग बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बात करते हैं, दिल के साफ हैं, हमें तो बहुत ही मजा आता है। क्यों सुमित? बहुत ही बढ़िया। क्या जबरदस्त, क्या फीलिंग आ रही है? फीलिंग आ रही है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये हूँ मैं दुशाला में छुपी हुई, और ये है सुमित को क्या फीलिंग आ रही है, और चकले पे क्या हवा लग रही है सुमित। आप हमारा स्लोलिम डैम वाला वीडियो देखिए, वो तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, उसमें हमने इतने मजे मारे हैं। और यार अभी अभी जैसे आपको पता है हमने हेड शेव करवाया है, वो पूरी बाइक पे बनाया है, पूरा वो पूरी वीडियो हमने स्कूटी पे बनाई है, और वो उसमें हमने बहुत ही मजे मारे हैं रास्ते में भी। और वैसे आ जाएगी यार जंगल की फील। तो आप कमेंट करके बताना कि अगर आपने वो वीडियो देखा तो आपको कैसा लगा स्लोलिम डैम वाली। और अब हम जा रहे हैं और बहुत ही मजा मार रहे हैं। अभी हम रास्ते में थोड़ी सी दही वही शॉप करेंगे और फिर हम जाके वे प्रोटीन पियेंगे। कल तो हमने स्ट्रॉबेरी शेक पिया था, फ्रेश स्ट्रॉबेरीज का सीजन आ गया, अगर आप भी लेते हैं तो अगर हमारे क्लाइंट से तो हम मंगा सकते हैं, मिलने चालू हो गई। और बहुत ही बढ़िया रास्ता, बहुत ही घने रास्ते में से ये टकलू जी जा रहे हैं। टकलू जी, अरे यार वो हमारी नरकासुर वाली वीडियो सुमित बोल रहे हैं, हमारी नरकासुर वाली वीडियो भी बहुत अलग है, वैसा हमने आज तक कभी देखा नहीं। पूरी रात हम 4-5 घंटे बाइक पे घूमते रहे, पागल हो गए थे हम, और
बिल्कुल थक चुके थे बैठ बैठ के ऐसे। हाँ सुमित पहली बार गंजा हुआ था और ऐसे बैठ बैठ के ना बम्स पे दर्द हो गया था। मैंने कहा सुमित अब तो घर ही ले ले यार, बस बहुत हो गया। वो जबरदस्त, वो बहुत ही बढ़िया वीडियो थी। मतलब हम सारे गोवा के फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं और ये गलियां गोवा की गलियां हमको भावे, गोवा की गलियां। हम उनको नहीं जाना दिल्ली वापस, एक दिन जाना है हमारा काम है, लेकिन हमारा बिल्कुल मन नहीं कर रहा। तो हमें तो गोवा ऐसे याद हो चुका है, कोई बोलता है नॉर्थ गोवा में ये क्या है वो क्या, हम बोलते हैं अरे हाँ हाँ हमसे पूछो। मजेदार मौसम, ओके रख दूँ।